जादेवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जादेवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो पार्वण ऋतु आरंभ होइछि धरा अवतरण करिछन्ति मां दशभुजा मां जगज्जननी मां दुर्गा चारियाड़ उत्सव मुखर एवं वर्तमान आमे रहिछु रायपुर रो कालीबाड़ी ठारे एवं जेहेतु मांकर आज होछि मंडपरे महाअष्टमी पूजा एवं नवरात्र आज होछि अष्टम दिन आज दिन में मां महागौरी पूजा करा जाए कहा जाए कि मां महागौरी होछन्ति शिव शक्ति जुगे जुगे जेतेबेले पापर मात्रा बढ़ी जाए थाए सेतेबेले मां धरा अवतरण करिथांति ठीक से ही भली प्रत्येक घरे प्रत्येक लोकंक भितरे मानसिक शांति बजाय रखिबा पई वर्षकु थरे मां धरा अवतरण करिथांति जेहेतु कहा जाए दुख नासिनी दुख हारिणी समस्त दुख को नाशन करने समस्त दुख को हरण करने मां धरा अवतरण करा चित्र देखू कालीबाड़ी जो रही रायपुर सेठाकर पूरा चित्र देखू देखिपे कि भाव मां को पूरा गोलाप रे सजा जाइछि 108 गोलाप दे किभली भाबरे पूरा मां को माळ प्रदान करा जाइछि किभली भाबरे सजै होइछंती मां एवं मांकर पूरा दुई पार्श्वरे देखि पड़थबे 9 जण देवी अछंती नवरात्रि 9 जण देवी को एठारे पूजा करा जाउछ एवं जेहेतु जेउभली भाबे कहुतिले आज होउछि महागौरींकर पूजा तेनु कोन आज महागौरींकर पूजार विशेषत्व कोन से विषय आमे पचारि बुझबा आम सहित पंडित जी अछंती आज मां का महागौरी पूजा है नवरात्रि का अष्टमी दिन है अष्टम दिन है आज जो पूजा है उसका विशेषत्व क्या है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस श्लोक से आप समझिए कि सर्व मंगल मांगल्य मतलब समस्त मंगलों को करने वाली शिवे सर्वार्थ साधिके ये शिव की शक्ति है। शिव इनके बिना सब हो जाते हैं, शिव इनके बिना कुछ भी नहीं है। और सर्वार्थ साधनी सभी अर्थों को प्रदान करने, अर्थ का मतलब होता है आपकी जो भी कामना है ये पूर्ण कर सकती हैं। शरण ने त्र्यंबके गौरी और ऐसी जगत जननी माँ गौरी की शरण लेना चाहिए और नारायणी नमस्ते और यही जगदम्बा समस्त देवताओं की शक्ति है और सभी के पालन करने वाली है। महागौरी के चरणों में जो आ जाता है उसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि गौरी गणपति और कार्तिकेय की भी माता है। तो गणपति समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य है, माँ गौरी की कृपा प्राप्त होते ही गणपति की भी पूजा कृपा प्राप्त हो जाती है, वो गणराज है। और फिर देव सेनापति हैं कार्तिकेय, देवताओं के सेनापति हैं। सोचिए वे देवताओं के सेनापति की माता है। अतः महागौरी के अंदर शौर्य शक्ति बल और सभी प्रकार की शक्तियों का समावेश है। महागौरी समस्त नारी शक्ति को दृढ़ करने वाली है, समस्त नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली है और नारियों के मन को उत्थान करने वाली है, उन्हें बल प्रदान करने वाली है। इस समय में आप देखेंगे कि नारी बहुत व्यथित है और दुखी, बहुत दुखी है। महागौरी की पूजा करने से उनका आत्मबल बढ़ेगा और संसार की दुष्ट शक्तियों से लड़ने में महागौरी उनके पर कृपा करेंगी और उनकी सहायता करेंगी। निहाती भाव में जो भाई भाव आपण प्रतिक्रिया शुणुले माँ महागौरी पूजा एवं गणेश एवं कार्तिकेय माँ होती गौरी जदि महागौरी पूजा करा जाए ताहले एका संगरे प्रभु कार्तिकेय एवं गजानन जे कहते कि सर्वविघ्न नाशन सर्वविघ्न को जे नाश करतांकर कृपा आपण को मिल पार एवं महिला मान खास कर पूजा करना जदि महागौरी पूजा करा जाए तेज से भितर आत्मविश्वास बढ़ पूरा नारी शक्ति जो रही तार अधिकारिणी होती माँ महागौरी समस्त शक्तिर अधिकारिणी कहा जाए कि शिवंकर शक्ति होती महागौरी एवं महागौरी बिना शिवंकर कौन अस्तित्व ना शिवंकर कौन शक्ति ना बोली कहा जाए आउ किसी प्रतिक्रिया ना सर केमती लगुच पूजा देखा आसी आम तो ये माताराणी को बसीचु पूजा अर्चना करुचु आज जो अष्टमी अच्छी हवन अच्छी ये समस्ते जो जोड़ी अच्छा विवाहित तो जोड़ी अच्छा से हवन में बस छुआ मैंने भी बस पूजा अर्चना करने समस्ते खुशी अच्छा कि आज माता जो अष्टमी दिन में हवन हम से समस्ते पूजा अर्चना खुशी अच्छा।
निहाती भावे समस्त भितर खुशी रही मो सहयोगी सुमंत को अनुरोध करी आपको पूरा पेंडाल चित्र देखाइबे पूरा पेंडाल जो आप देखिपे पूरा मिरर रे आपको सजा जाइछे एवं प्रत्येक पटु जदि देखिबा मांकर मुह पूरा प्रतिफलित होइछे पूरा रिफ्लेक्ट होइछे मांकर मुह कहीं पूरा मंडप को एठारे मिरर रे ही सजा जाइछे एवं बेस धूमधाम सहित एठारे पूजा पालन करा जाउछि जेहेतु रायपुर रे आमे रहिछु तबे एठार ए होउछि बेस फेमस पूजा मंडप जदि आमे कहि परिबा कहीं बहुत विशाल आयोजन करा जाइछे एठारे एवं तळे मध्ये आपण पूरा चित्र देखि परथिबे किछि समय परे मांकर महाअष्टमी पूजा आरंभ हो एवं जो विवाहित जोड़ी माने रहिछन्ति खास करि जो नवविवाहित जोड़ी माने रहिछन्ति से माने ए पूजा रे आहुति प्रदान करिबे किभळी भाबरे सेमानकर वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो सेनी मध्ये एठारे पूजा करा जिवो एवं किछि समय अपेक्षा किछि समय परे मांकर महाअष्टमी यज्ञ आरंभ हेबो बेस धूमधाम सहित मांकर पूजा हेबो एवं परे प्रसाद सेवन मध्ये जो भली भाबे कहिबा कमिटी पक्षर जहाँ खबर रही कि प्रसाद सेवन व्यवस्था रही है जदि श्रृंखला को आखि आगे रखा कमिटर जो मेम्बर मान रही भितर जो भलंटियर्स मान रही एने पूरा तत्पर रही किभली भाव में समस्त भक्त समस्त श्रद्धा मैंने श्रृंखलित भाव में मां को दर्शन करेंगे और मां को आशीर्वाद पाई रायपुर कैमेरा पर्सन सुमंत साहू विद्युत प्रभा रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।